कैंडेट आर न्यूज में आपका स्वागत है। 2022 के चुनाव को लेकर बांसडीह विधानसभा की जनता से इस बयान से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मीडिया ने बांसडीह विधानसभा में 2022 के चुनाव पर जनता से पूछताछ की। जनता ने कहा कि वर्तमान विधायक हमें पूछने तक नहीं आते हैं और जब चुनाव नजदीक आता है तब आते हैं। मीडिया ने यह भी सवाल किया कि तब किसको आप लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, तो जवाब मिला है कि हम लोग नीरज सिंह गुड्डू को देखना चाहते हैं, इसलिए रात दिन लोगों के लिए जो खड़े रहते हैं। नीरज सिंह गुड्डू से मीडिया ने सवाल उठाया तो नीरज सिंह का कहना है कि हम जनता की सेवा लगातार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। शनिचरी कहाँ गांव के रहने वाली हैं? धरवार में रही है, सुरहिया टोला है, धरवार में बांध जी। अभी चुनाव आ रहा है, किसको वोट देना चाहेंगे? राम गोविंद चौधरी को देंगे वोट? राम गोविंद हमारा कौन काम है आवेदन उनका कहीं वोट देवे जाए तो किसको देंगे वोट? हम गुरु से चेला चाची हूँ। गुरु सिंह को आप वोट देंगे? गुरु सिंह कौन है? गुरु सिंह बाबू साहब है, चेयरमैन है और के हो। अच्छा, तो चुनाव में खड़ा होंगे तो आप उनको वोट देंगे? हाँ, उनका दे हम अभी उनका कह पीछे न पड़े बानी के नापी अपना ना राम चौधरी जी। राम गोविंद के तो हम लाल हूँ ना पूछी। नाम बताइए अपना। कहाँ ना गांव के रहने वाली हैं? कौन से विधानसभा का है? अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे खड़ी हैं? कोरोना का सुई लगा जी। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप किसको वोट देना चाहेंगे? अपने वर्तमान विधायक? अच्छा, क्या वर्तमान विधायक कभी आते नहीं आपके यहाँ क्या? कभी हमने कहा सपोर्ट देता के गुड्डू सिंह। अब वर्तमान विधायक राम गोविंद चौधरी जी ना, हमने तो चिन्हबे ना करला ना इसके हमने चिन्ह नहीं रखा ना, हमने के चिन्ह तंजा वोट मांगे खलिया। अच्छा, वोट मांगने खली आते हैं? अच्छा, तो नीरज सिंह गुड्डू को आप पसंद करते हैं? जब हमने के जब कहे तब हमने के हरा उजला खड़ा बने जब हमने खत्म खड़ा बने गुड्डू सिंह हमने को बोले यादव। कहां रहने वाले हैं? दरबार के हम रहने वाले हैं जी। तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे और क्या आपके वर्तमान विधायक जो है वो किसे काम किए हैं? वर्तमान विधायक उनका सरकार ने तो काम ही नहीं किया, हमको उससे मतलब ही नहीं है। बस सत्य हमारी जनता हमारी गांव का मतलब हो जाए, क्लियर हो जाए, कोरोना में वैक्सीन लग जाए। तो आज वैक्सीन गुड्डू सिंह चुनाव किसको चुनाव में 2022 में वो वोट किसको किसको पसंद करते हैं आप? अब अपनी मन की बात नहीं बताएंगे, लेकिन गुड्डू सिंह की वजह से ये वैक्सीन लगा है और गुड्डू सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार गुड्डू सिंह जी को। इसका मतलब उनको वोट देंगे आप? मन की बात है, मन की बात जनता से क्या बताना, लेकिन गुड्डू सिंह साहब कोटि कोटि नमस्कार। मैं राजीव सिंह का रहने वाला हूँ जी। आपका सातवार किस विधानसभा में आता है? विधानसभा में जी। आपके वर्तमान विधायक कौन है? राम गोविंद चौधरी जी। अब चुनाव आने वाला है 2022 का, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा आपके यहाँ? उनका कार्यकाल 5 सालों में वो कहीं दिखे ही नहीं। अच्छा, 5 साल दिखाई नहीं दिया? दिखाई नहीं दिया जी। तो आप किसको पसंद करेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे आप लोग? हमारा पसंद तो नीरज सिंह गुड्डू है जी। क्यों? वो चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे तमाम सभी लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं जी, सम्मिलित होते हैं। कोरोना काल में सब लोग अपने घर पे थे और नीरज सिंह गुड्डू सेवा कर रहे थे जी, तो वो कोरोना के चपेट में भी आ गए जी। तो आप उनको पसंद करते हैं? तो मतलब हो गई ये तात्पर्य है, तो आप बांसडीह विधानसभा से नीरज सिंह गुड्डू को विधायक बना लेंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? जी। किसकी विधानसभा में आता है, कौन से विधानसभा में आता है आपका गाँव जी? आपके विधायक कौन है? क्या? अच्छा, अभी चुनाव आ रहा है तो वोट किसको आप देना चाहेंगे? क्या आपके विधायक अच्छा काम नहीं किए क्या? राम गोविंद चौधरी जी, हम लोग कुछ नहीं किए, कुछ नहीं करते हैं।